आम आदमी पार्टी ने अमृतसर में निकाला पैदल रोष मार्च। अमृतसर में अमन और कानून की लगातार बिगड़ रही स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा एक पैदल रोष मार्च निकाला गया। इस रोष मार्च में विपक्षी नेता हरपाल चीमा के अलावा पंजाब की लीडरशिप उचेरे तौर पर पहुंची और डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र दिया गया। व्यवस्था बहुत ही माड़ी हो चुकी है, लगातार कितने मीडिया से हमले हो रहे हैं, कितने साडे प्रधान से हमले हो रहे हैं, आम लोगों से हमले हो रहे हैं, डकैतियां हो रही, लुटकुआ हो रही ने, और प्रशासन जोड़ा सुता पे उन्होंने जगाने के लिए आम आदमी पार्टी धरना देने आई आ। मैं तो मेरे नाल साडी भैन सर अपना बलजिंदर कौर जी, प्रोफेसर बलजिंदर कौर जी, एम एल ए तलवंडी साहब, साडे धालीवाल साहब उनके प्रेजिडेंट ने, समुचे जो अहदेदार सारे इतने प्रेजिडेंट ने। अज असी रोस मार्च करके डी साहब धरना दे के उन्होंने मेमोरेंडम देवे ताकि जी हालात इतने माड़े हुए हैं वो ठीक हो सके। देखो हाई अलर्ट पहला भी जारी होया तो हाई अलर्ट होया, पहला भी एक बम धमाका हो गया, हाई अलर्ट कहने कर देंगे जारी, पर लेकिन ग्राउंड से कुछ नहीं करते। उसे गल करके असं आए हैं ताकि प्रशासन जाग पवे, प्रशासन पहला भी सुता होया, पहला भी तीन व्यक्ति मारे गए, इस तरह रैड अलर्ट पहला भी जारी होया, रैड अलर्ट जारी होने के बावजूद जो व्यक्ति मारे जाते हैं उन्होंने जगाने लिए प्रशासन लगता कि पाकिस्तान जो अपने संबंध शुरू हो जा रहे करके हो नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं। करतारपुर कोरिडोर को लेकर मैं कहना सियासत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के पहला भी होंगे रहते, पर प्रशासन इस समय जो बिल्कुल सुता पाया, प्रशासन जगाने के लिए आम आदमी पार्टी अच्छ एक धरने के रूप में डी साहब मिलू।